बेटा बेटा बच्चा ओ भैया बेटा राजा छोटी 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 भैया दो में दो छोटी बच्चे की दो छोटी लड्डू की दो छोटी ओ भैया हाँ ओ भैया दो छोटी भैया की बेटा हेलो परी, आज मैंने लड्डू की दो चोटी बनाई हुई है, दो चोटी बनाई हुई है बेटू की, दो चोटी बनाई हुई है। कैसी लग रही है गुंडी? कैसी लग रही है मेरी बच्ची? कैसी लग रही है बच्ची? ओ भूख लगी है मेरी बच्ची को, भूख लगी है बच्ची को। ओ क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा है बेटा। ये यार इसका सही नहीं हो रहा यार, ये रेड था, अब थोड़ा रेड नहीं है, लेकिन है ना। पापा कहाँ है? ऐसा लग रहा है तुम्हारी ऐसी शक्ल यार, एकदम सेम टू सेम। ओ माया, मुझे बहुत मिशमिश आ रही है। किसी और का बच्चा होता ना ये, ओ किसी और का बच्चा होता ना किसी और का बच्चा होता तो इसको ऐसी मिशमिशी आ रही है, मुझे बहुत ज्यादा। बिटिया रानी, बिटिया रानी, मेरी बिटिया रानी। ओ ओ भैया गुस्सा हो जाती है मेरी बच्ची, नींद आ रही है। चलो इसको दूध पिलाऊं, फिर मैं दूध पिला दूंगा मेरी बच्ची को दूध। पानी दे दो, पानी दे दो इसको। बेटू गुंडा बेटा, दो दो चोटी भैया, दो दो चोटी मेरे बच्चे की, दो दो चोटी भैया, दो 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 चोटी, दो दो चोटी, दो दो चोटी, दो दो चोटी। गुड नाइट बोलूं, गुड मॉर्निंग बोलूं, क्या बोलूं? समय हो रहा है, देख सकते हो रात के 1:15 और 10 मिनट की देरी है अभी 1 बजने में, और घर का माहौल दिखाती हूँ आपको। ओ माय गॉड, इस वाले रूम की हालत देख लो, क्योंकि हम सर्दियों वाले कपड़े और जो भी मेरे रिटायर कपड़े, अब की बार अनिल ने मेरे इतने कपड़े रिटायर करवा दिए, देखो इतने सारे। बोल रहे थे कि उन्हीं को पहनती रहती हूँ, उन्हीं को पहनती रहती हूँ, बहुत सारे कपड़े छोटे हो गए। तो सच में मेरे इतने सारे कपड़े छोटे हो गए, मैं क्या बताऊँ। और ये वाली पेटी है ना, उसमें मेरे कपड़े रखे रहेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़े हो गए, दोनों कबर्ड फुल हो चुके हैं। और आप सोच रहे होंगे, ये कह रही है कि इतने सारे कपड़े हो गए, पहनती वही नाइटी है। ये मैं अनिल से भी बोल रही थी, एक तो अभी बेबी को फीड कराती हूँ ना, तो फिर मुझे कम्फर्टेबल फील नहीं होता। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ अलग अलग पहनूंगी कपड़े। ये बेलन भी रिजेक्ट हो गया, क्यों? ये जिसने मुझे दिया था मैं उन्हीं को वापस दे दूंगी ये बेलन, ठीक है? मम्मी ने, हाँ मम्मी को दे दूंगी, ठीक है। और वो सर्दियों वाले कपड़े हैं वो अलग रखे हैं, और हे भगवान बहुत बुरी हालत हो गई है। ये सारे रिजेक्ट कपड़े हैं, इसमें मेरे सारे स्वेटर हैं, सारे कम से कम 10-12 स्वेटर हैं। वो ये मैंने यूज नहीं किया, सच बताऊँ मुझे रोटी बेलना आ नहीं रहा था इससे, मैंने एक दिन भी यूज नहीं किया, एक दो बार किया है बस। तो ये वाला लोवर है ना, अभी छोटा आएगा तो बेबी के लिए मैं सोच रही हूँ इसमें से, ये वूलन है यार एकदम सॉफ्ट है, तो बेबी के लिए कुछ बनवा लूँगी मम्मी से, कुछ नहीं मतलब हाथ के और पैरों के बनवा लूँगी, ठीक है? काफ़ी अच्छे बनेंगे यार। अब मार्केट में देख के आए थे ना, वो इसी से भी गंदे थे कि नहीं थे, उस टाइप के ही बनवा लूँगी मम्मी से, ठीक है? तो चलो अभी अभी तो हमें 1 घंटा और लगेगा, 1-1.5 घंटा आराम से। हाँ चलो चलो चलो, बहुत सारे कपड़े छोटे हो गए यार, कम से कम 7-8 सूट तो ऐसे हैं जो मुझे लूज करवाने पड़ेंगे। कपड़े नहीं छोटे हुए, मैं पहन नहीं, उसी साइज के थे, जिस साइज के लिए थे। हाँ तुम चौड़ गई हो, ये बोलो बच्चे होने के बाद चौड़ते ही हैं यार। तो मैंने कब मना किया नहीं चौड़ते, पर तुम ये मत बोलो कि कपड़े छोटे हो गए या कि कपड़े बड़े हो गए। कपड़ा तो बेचारा उतना ही रहता है, उसमें क्या बढ़ रहा क्या बढ़ रहा। मैं आपसे ऐसी इंसल्ट करती हूँ जो आप सबके सामने मेरी इतनी बुरी इंसल्ट कर रहे हो? इसको इंसल्ट नहीं, इसको फैक्ट बोलते हैं। फैक्ट फैक्ट, इतनी बेइज्जती तो यार कोई नहीं करता, किसी के पति नहीं करते यार, तुम करते हो। अगर हम तुम पति पत्नी है ही नहीं, अगर हर बात में बेइज्जती।
तो कौन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन है, दुश्मन? कुछ भी नहीं, दुश्मन भी नहीं है, दुश्मन में भी इतना बेइज्जती का फील नहीं होगा। अच्छा, कुछ है ही नहीं है। कुछ नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है अपना। रिश्ता पता नहीं कौन सा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ नहीं कहलाता, वही तो मैं बोल रहा हूं। चलो चलो दोस्तों, बहुत सारा अभी ये पैर जो सोते हैं ना मेरे, हाँ दोनों सोते हैं, मेरे को सबसे बड़ा रिटायर कर दिया इन्होंने, ये अपने कुछ कागज वगैरह है वो रिटायर करे, रिटायर करिए कि रखने अंदर, ये वाले तो रखने महाराज, रखने ये वो बैग में पड़े हैं, वो बैग नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो दोस्तों अभी चेक कर रहा हूं तो पापा के मोबाइल के लिए, गांव में पापा के लिए, हाँ यार ले चलेंगे पापा के फोन के लिए। ठीक है ठीक है, चलो चलो दोस्तों मैं इनको अलग अलग रख देती हूँ, और वैसे मैं पैकिंग वगैरह तो बाद में करेंगे हम लोग, अभी तो सर्दियों वाले कपड़े निकाले, कंबल वगैरह अभी हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। देखो ये बेड एकदम खाली हो गया है, ये बेड भी इस साइड खाली हो गया है, और ये बेड एकदम फुल भरा है, इस वाले सेक्शन में पूरी मेरी साड़ियाँ रखी हैं, तो वो अभी मैं खोल के देखती हूँ। और चलो, और देखो मेरा बेबी अभी मैं उसको फीड करा के आई हूँ, तो लक्ष्य उसको खिला रहा है, क्योंकि वो भी 2-3 बजे तक सोता है हमारा बेबी भी, तो अभी वो खेल रहा है। और मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखा देती हूँ, अभी मैंने हेयर ऑयलिंग करी हुई है क्योंकि कल मैं हेयर वॉश करूँगी। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है। मैं मिसमिसी आ रही है, बच्चे में नहीं निकाल सकती। थोड़ी सी, नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। ओ मैं बिंदी करके यार कितनी गंदी लग रही हूँ, चलो बिंदी लगा के आती हूँ, चल लाओ जल्दी कर। गुड नाइट तो नहीं बोलूंगी अभी, हो सकता है मैं फिर भी आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ साफ करके, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों अभी खेल रहे हैं, मैंने इसको बेबी को दूध पिला दिया, ये रोने लगा था ना, तो पेट भरना भी जरूरी है, सफाई तो मतलब होती रहती है, तभी थोड़ा सा खेलेगा। और समय मैं आपको बताती हूँ कितना हो रखा है, अभी भी सारा सामान फैला है, अभी इधर वाला बेड खुल गया है, समय 1:30 बज चुके हैं, और मैं साड़ी लहंगे वगैरह रख रही हूँ अपने, ये करवा चौथ की थाली वगैरह, और पतिदेव बना रहे हैं चाय। हेलो हेलो बोलो, हेलो बोल दो। तो ये बना रहे हैं चाय, आज शायद 3 बज जाएंगे। सबसे पहले मैं करती हूँ बेबी से, मैं फ्री हो गई हूँ। हे एवरीवन, समय हो रहा है 2:35, आप लोग देख सकते हो। ये रूम में जो रस्सी डली है उनको इग्नोर करना, क्योंकि जब से हमारा बेबी हुआ है तब से हम यहीं पे, जब वो छोटा था ना तो बाहर कपड़े नहीं डालते, इसलिए हमने रस्सी बांधती थी, स्टैंड हमने लिया नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि रेंटेड हाउस में बहुत ज़्यादा सामान हम लोग इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं। और वैसे भी मुझे स्टैंड पर कपड़े सुखाना अच्छा नहीं लगता, खुले में अच्छा लगता है, जैसे कि फैला के, तो इस वजह से मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर टॉवल वगैरह मैं अंदर डाल देती हूँ, और अभी मैं सारे काम से हो गई हूँ फ्री, और यहाँ पर बेबी सो गया है, और उधर अनिल सो जाएंगे, और देखो वो चद्दर में कोई सो नहीं रहा है, वहाँ पे जो भी हमारे वूलन क्लॉथ्स हैं और वो वाले बैग हैं ना, वो मैंने भर के वहाँ पे रख दिए हैं। और क्योंकि अभी रात में इतना 2:30 तो ऑलरेडी बज चुका है, तो रात में हम वो सेट नहीं कर सकते, तो कल मैं जगह बनाऊँगी उनको, कहाँ शिफ्ट करना है, कैसे क्या रखना है, तो मैंने वहाँ पर रख दिए हैं फ़िलहाल के लिए। तो ये सारे आप लोग देख सकती हो, और ये वाले कपड़े हैं जो मुझे किसी को देने हैं, मतलब जो बैग है ना वो वाले, तो वो मैं दूंगी किसी को, तो मैंने निकाल के अलग रख दिए। नीचे वाली पेटी है ना, उसमें सारे मेरे सूट्स कुर्ती वगैरह हैं जो मुझे फिट हो जाएंगे, तो वो मैंने निकाल के रख लिए हैं। और अभी ये थोड़ा बाहर गए थे खुला हवा लेने के लिए, तो आ चुके हैं, और अभी मैं हो गई हूँ फ्री, और मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो अभी ये रूम थोड़ा इस तरीके से सेट हो गया है। 1 घंटे पहले आपने देखा होगा कि इसकी हालत क्या थी, हे भगवान, ये कपड़े रखो निकालो हालत ख़राब हो जाती है, फेस वॉश कर लेना। तो चलिए गुड नाइट बोलते हैं आप लोगों से, मिलते हैं आपसे कल, हमारा बेबी भी सो गया है, आपको दिखाती हूँ, बेबी सो गया है, हमने लाइट बंद कर दी है, यहाँ पर बेबी सो गया है, बस अभी मैं भी फेस वॉश करके आती हूँ, फिर मैं भी सो जाऊँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो हमारे 2 पार्सल आ गए, इसमें बेबी का क्या है, क्रीम है ना, इसमें बेबी की क्रीम है, बॉडी लोशन, और इसमें मेरा आइटम है। तो चलिए अब ओपनिंग वीडियो बना लेते हैं। मैं सोच रही थी हेमा आई, अरे मैं सोच रही थी कि हेमा आई, सुबह सुबह थोड़ी जोर जोर से, तो मैंने कि हेमा से ये कहूँगी कि यार धीरे धीरे, पर मैंने कि हेमा तो इतनी जोर से नहीं करती, खट 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 ऐसे करके, इतनी बड़ी मंगाई है तुमने। अच्छा, ये बेबी के लिए हमने बॉडी लोशन मंगाई हुई है, इसकी एक्सपायरी देखना कितना है, देखो ये मेरी भैया, मेरा बच्चा, ओ भैया,
एक्सपायरी 2025। चलो सही है सही है, ऐसा ना हो कि अंदर कुछ हो ही ना। वाओ, चलो चलो उसको भी ओपनिंग वीडियो बना लेते हैं। तो रात में बहुत लेट सोया था लड्डू, और अभी देखो लड्डू की अभी सुबह नहीं हुई। और आज मैं सोच रही हूँ कि ये गेट थोड़ा ओपन रखूँ, एक घंटे के लिए ओपन रखूँगी तो थोड़ी इसकी उमस निकल जाएगी। क्यों, चाय बन चुकी है, हमारे पतिदेव पी रहे हैं चाय। हेलो, कैसा फील हो रहा है? है गोरे लग रहे हो यार गेट खोलने के बाद, हैं? सच में मतलब अंधेरे में कलर डाउन लगता था तुम्हारा, तो मैं तो बहुत लग रही होंगी फिर इसका मतलब। कोई मैं तो चाह रही हूँ उठ जाए आज, आज इसको मैं नहलाऊंगी, 2-3 दिन हो गए। गुड मॉर्निंग लड्डू भैया आ गए, भैया देखो भैया की गुड मॉर्निंग हो गई। ब्रश ब्रश कुछ नहीं किया और आके डायरेक्ट लड्डू के पास कर ली ब्रश। कब? अरे तुरंत अभी तो तुमने उठाया है, 5 सेकंड नहीं हुई है तुम्हें। दोबारा से ब्रश होगी? नहीं, 1 मिनट भी नहीं हुई यार। उठाओ चलो, उठ जाओ बेटा, चलो। आ मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लड्डू, गुड मॉर्निंग बच्चा। अच्छी धूप हो रही है, काफी अच्छी है ना। आज इसको खुला रखेंगे 1 घंटे गेट को, ठीक है। चलो आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो हमारी चाय कटोरी में है और ये पीते हैं। जो मेरा वाला मग है ना, जो एनिवर्सरी पे इन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया था, उसमें ये पीते हैं। ये मैं हेमा को देने जा रही हूँ, मैं तो ठंडी चाय पीती हूँ, हेमा तो गर्म चाय पीती है अनिल की तरह। तो मैं देख के आती हूँ उसको पकड़ के, ये गर्म है तो उसको देख के आती हूँ मैं। और देखो कल रात में हमने ये किया था तो ये अभी रखा हुआ है आराम से। दिन में ऑफिस जाओगे आज हैं? गिर गई होती, बहुत गर्म है। हेमा चाय पी लेना। हेलो हेलो बेटा, फिर सो गया ये बच्चू? तुम सोने नहीं दे रहे, तुम्हें नहीं सोने देते तब कैसे मुंह बनती हो? तभी तो मैं चाहती हूँ वो ना सोए, फिर दिन में मेरे साथ सोए। क्यों बच्चा, अरे नजर लग जाएगी मेरी। हेलो लड्डू, तो लड्डू को आज मैंने 2-3 दिन बाद नहलाया है और अभी वो फ्रेश फील कर रहा है। सर्दियाँ जैसा मौसम आ गया ना तो इसको सर्दी हो जाती है, वैसे ही बच्चों को नहीं नहलाना चाहिए, इसलिए मैंने 2 दिन से नहीं नहलाया था और आज नहलाया। इसने अभी नहाने के बाद पॉटी करी थी, तो अभी उसको मैं अच्छे से डायपर वायपर चेंज करके, और मुँह में नहीं देते बेटा, काजल नहीं लगाया क्योंकि जागता है ना तो सारा एकदम फेस हाथ काले काले कर लेता है। अब लक्ष्य भी नहा लिया है और ये चले गए ऑफिस, मैंने टिफिन पैक कर दिया है, रोटी बना के रख दी अपने लिए लक्ष्य के लिए, क्योंकि मैं अभी नहाने जाऊंगी, कपड़े वॉश करूंगी तो मुझे टाइम लग जाएगा, तो शायद इसको भूख लग जाए। बेटा क्या है, भैया से बात करना है? मुँह में गंदी बात होती है, गंदी बात। देखो इसका भी मच्छर अभी तक सही नहीं हुआ यार, तो मेरी फ्रेंड ने क्रीम बताई है तो उसको मंगाऊंगी मैं अभी, तो सही हो गया, बहुत दिन हो गए इसको बातें करने लगा है। बच्चा मेरा बच्चा, मुझे बहुत मिशमिशी आती है बच्चे पे, मेरे भी सेम पिच। पता नहीं क्यों मेरे मामले में भी, लड्डू के मामले में मुझे क्या लगता है कि मैंने इतने सारे कपड़े मंगा लिए हैं लेकिन पहनाती मैं इन्हीं को, जो मुझे पसंद आ जाते हैं ना उन्हीं को डेली पहनाती हूँ चेंज कर करके, और रखे हुए छोटे हो जाएंगे। बट ये मुझे डांट रहे थे कि जो मंगाए काय के लिए, फिर जब यही पहनाने हैं डेली डेली। मैं तो भी आपसे यही कहता हूँ, तो क्या करूं बेटा, मेरे को अच्छे लगते हैं। के रखे हैं और आप पहनती एक भी नहीं है। हमारे पापा ने कल बहुत रिटायर करवा दिए, ठीक है। चलो दोस्तों मैं नहाने जा रही हूं और इसको मैं छोड़ के जा रही हूं यहां लक्ष्य के पास। ओके भैया के पास रहोगे, परेशान नहीं करना लड्डू को, है भैया। हाँ देखो वो भी नहीं करेंगे भैया। चलो चलो मेरा बच्चा, चलना। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय, मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े वॉश हो रहे हैं और रात तक हो जाएंगे। बस एक बार ही लगाऊंगी मशीन, इतने ही कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े हैं नहीं।
और जो मैंने हाथ से वॉश करे थे वो यहाँ पे हैं, और पतिदेव चाय बना रहे हैं, साथ में ऑफिस का काम कर रहे हैं, और मैं भी बेबी को भी दूध पिला के आई हूँ, लेकिन वो पी नहीं रहा है, रो रहा है बहुत। और ये हमने बेबी के लिए कुछ कपड़े ऑर्डर करे थे, तो फिर से कपड़े आ चुके हैं, तो मैं इनको ओपन कर लेती हूँ, लेकिन दिखाऊँगी नहीं आप लोगों को, ठीक है, अब की बार नहीं दिखाऊँगी, ठीक है, जब पहनेगा तब मैं दिखा दूँगी। चलो मैं, हम ओपन कर लेते हैं, ओपनिंग वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय है, माँ बहुत टाइम से बोल रही थी कि दीदी मेरी कटिंग कर देना, क्योंकि मैं जिसकी भी कटिंग करती हूँ उसके हेयर बहुत लंबे हो जाते हैं मेरे हाथ की कैंची लगने से, तो मैंने चलो ठीक है कर देती हूँ। तो कल है गुरुवार, तो कल की बोल रही थी, तो मैंने बोला कल नहीं, मैं आज ही कर देती हूँ। कोई बात की कमी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पता नहीं क्या परेशानी, ऐसे ऐसे करने में लगा है ये लॉन्च लिया ऐसे, नहीं देखो तू मुझे कर रहा था, मैं ऑफिस से आया था इसे, तो हमारा तो चल जाएगा, अपना क्यों करता है, क्यों करता है, ये देखियो क्या हो गया, पूरा चेहरा खराब कर लिया यार, ये देख ये क्या हो गया, ये देखो ये सुअर जैसा मुंह कर लिया पूरा, कोई क्या बोलेगा यार इसको देखेगा तो क्या हो जाएगा इससे, हम तो लगे क्रीम पाउडर लगाने में, लगे लड़का बिल्कुल सही रहेगा, ये लगे भाई साहब ऐसे करने में, मजाक बना रखा है तुमने, तूने देखा था लग जैसे ने कैसे किया था, बताना कैसे, मैंने ऐसे कर रहा था फिर मैंने हटाया, हंसने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हटाया मैंने, हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने हटाया फिर मैं बिल्कुल हंसने की जरूरत नहीं है, जब मैं यहाँ पहुंचा तब तक आई बात समझ में, ऐसे चल नहीं पाएगा, ठीक है तुम मनोगे नहीं हो, देखो निशान निशान, तुम मनोगे नहीं हो बिल्कुल, बेशरम हो गया, हंस क्यों रहा, क्यों हंस रहा, क्यों हंस रहा है, नहीं ये कह रहे तुम सब पागल हो, चिल्लाते रहो, मैं तो करूंगा, बिल्कुल शांति पकड़ लियो, पापा के लाभ क्या नहीं तो, ये कह रही हूँ सुन रहे हो, और तेल खत्म हो गया है, सरसों का तेल भरना है उसमें, परांठे की तैयारी हो चुकी है, ऐसा करो कपड़े भी बॉस हो चुके हैं, स्पिनर में डाल के आ जाओ प्लीज, सुनो कपड़े स्पिनर में डाल के आ जाओ यार, स्पिनर में डाल दो कपड़े, स्पिनर में, बच्चा मुझे मिसमिशी आ रही है इस पे, उसे कुछ पे ही आती है मिसमिशी, लो गंदा, जाओ जाओ स्पिनर में डाल दो, जाओ हट गंदा बच्चा, हट हट हट, देखो करे अरे मारे, स्पिनर में डालना है ठीक है, बस बॉस हो गए फिर मैं सुखाने डाल दूंगी, फिर पराठे बनाऊंगी, ऑयल भरना यार, तब तक मैं इसको फीड करा के आती हूँ, आपके कितने ज्यादा काम मैं करती हूँ आपको पता है ना, उसके बाद भी लक्ष्य दादाजी ने बोला, दादाजी ने ये नहीं बोला कि ऐसे उछल कूद करना है, दादाजी ने बोला है ठीक है, क्यों लड्डू, चलो बाय मम्मा पियेंगी, चलो 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 मम्मा पियेंगी, ओल भैया अरे बच्चा, हाँ वो तो मैंने हाथ से ही वॉश कर दी थी ना, कर दी थी मैंने परसों के दिन, तो कपड़े बहुत हमारे हो चुके हैं, और आज लड्डू की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए खाने में, तो वैसे ही मैंने स्टफिंग वगैरह तैयार करके रख दी थी पराठे की, तो आज बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, साथ में यहाँ पे देख रही हूँ मैं बिग बॉस, जो कि मैं एक बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती, लड्डू चिप्स खाने हैं, लड्डू चिप्स खाने बेटे को, चिप्स खाने लड्डू को, मैच वो नियॉन कलर है, वो ग्रीन कलर है, लड्डू वो जानता भी नहीं है बेचारा क्या है ये, वो कुछ नहीं जानता, आज तो कुछ जा रही है इसकी हैं, है? चाय बनाई के दूध, देखो 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 इसको देखो इसको देखो इसको देख लो पहले बेटा, लड्डू तुम जब बड़े हो जाओगे तो ये मत कहना भैया की तरह, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, देखो भैया की तरह कहेगा मुझे सब चाहिए थोड़ा गुस्सा कर रहा है ऐसे कर रहा है। प्यार करने जाने तो इससे प्यार करो, किससे करने लगा वो, तो किससे करने लगा, देखो वो भी किससे कर रहा है, किससे
अब देखना इस दोनों के सामने कौन से वो पकड़ेगा जी। देखो 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 कुरकुरे आंख में ना लग जाए यार। ये तो रात भर चलता रहेगा भैया। बेटा बेटा लड्डू लड्डू बेटा बेटा लड्डू बच्चा राजा हे एवरीवन, समय हो रहा है 1:06 रात के और हमारा बेबी अभी सोने का नाम नहीं ले रहा है। कपड़े वॉश कर दिए थे हमने और खाना पीना हमारा हो गया। आज बनाए थे आलू के पराठे। क्यों लड्डू? लड्डू के पापा ने डायपर चेंज किया है, मैंने लड्डू का डायपर फेंका है। क्यों? पापा भी बराबर ड्यूटी कर रहे हैं ना, क्यों है ना बेटा? तो अभी क्या था ना कि हम इससे पतली वाली कॉटन वाली पजामी पहना रहे हैं, जो सूट के साथ वाली पजामी थी ना, ये थोड़ी मोटी वाली, ये वाली, तो इसमें पसीना आ रहा था इसको, तो हमने सोचा चलो ये वाली बना देते हैं। क्यों लड्डू? ये वाली बना देते बेटे को। आज क्या बात है, क्या टाइट तो नहीं है जानू? हाँ टाइट तो नहीं है ये? बहुत मज़े आ रहे हैं उसको, बस अभी ये खेलने के मूड में, वो सोने के मूड में है ही नहीं अभी। पहले बनियान करो जानू, नीचे कॉटन की बनियान करो पहले नीचे। आज मैंने इसकी जो तकिया थी ना राई वाली, वो भी मैंने वॉश कर दी। क्यों बेटा? ओहो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा एक्सरसाइज। अरे ब्लूटूथ हटाओ। हाथ ओ हा, ओ हाथ हाथ कुछ नहीं होता यार, मैंने देखा वीडियो में वैसे ही। अभी तो और मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो 360 कर देते हैं वो जानते होंगे। तो उसका हाथ भी तो सीधा होना चाहिए, उसके हाथ उल्टे सीधे हैं, तुम करते जा रहे हो तो कुछ भी करे वो खुद ही हाथ लगाएगा। अच्छा चलो इसको करते रहो, हाँ आराम से आराम से आराम से। ओ ओ ओ ओ क्यों बेटा, क्यों बेटा? ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, पापा बड़े एक्टिव बन रहे हैं, हिचकी आ रही है, कौन याद कर रहा है इसको, रात को हिचकी आ रही है। चलो गुड नाइट बोल दो, चलो सब लोग गुड नाइट, गुड नाइट, चलो गुड नाइट। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओ माय गॉड ये गुटू मुझ खिसकने की कोशिश कर रहा है, अरे नहीं खिसक रहा वो। बाय बाय दोस्तों, हमारा तो अभी 2-3 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा बच्चे के साथ। तो हमने बोल दी थी गुड नाइट, ब्लॉक का कर दिया था एंड, लेकिन भाई साहब ने कर दी हैं उल्टियाँ। तो अभी मैंने कपड़े चेंज करे हैं, इसने चादर, अपने सारे कपड़े, कैप, सारी चीज़ें गंदी कर दी। तो अभी मैंने इसको गर्म पानी ये करके लेके आए थे, तो अभी इसकी फिर से मालिश करी है, कपड़े चेंज करे हैं गर्म पानी से, इसको पोंछा लगाया है, मतलब इसको पोंछा है, और वो सारा काम करके इसकी मालिश वालिश करके अभी इसको कपड़े पहना के कैप लगा के अब इसको सुलाने की कोशिश करेंगे। समय देख सकते हो आप, 2:25 हो रहा है, ये देखो रात के ये सोने का नाम नहीं ले रहे। चलो यार जिंदगी क्या हो गई मुझे, मैं कितनी सो गई थी, कितनी गहरी नींद में, गहरी में तो सो गई थी 5 ही मिनट। अच्छा बस 5 सोई हूँ, 5 भी नहीं। चलो चलो गुड नाइट।